टीकमगढ़ जिले में बीते दिनों सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें एक महिला को अकेला पाकर एक व्यक्ति ने चलती ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ एवं बलात्कार करने की कोशिश की। जब महिला ने विरोध किया तो उस व्यक्ति ने महिला को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिसके चलते उसे गंभीर चोटें आने के कारण उसे खजुराहो से छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ गंभीर हालत को देख कर युवती को ग्वालियर रेफर किया गया, जहां युवती का इलाज जारी है। बताया जाता है कि यह मामला 27 अप्रैल का है। उक्त महिला खजुराहो से महोबा की ओर जा रही थी, तभी ट्रेन का डब्बा खाली होने के कारण युवक द्वारा महिला से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिए जाने लगा। महिला द्वारा इसका विरोध किए जाने पर युवक द्वारा उस महिला को चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया गया और आरोपी मौके से फरार हो गया। रेलवे पुलिस हरकत में आई, इसके बाद आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने ट्रेन के डब्बे की छानबीन शुरू की, जहां पर एक मोबाइल प्राप्त हुआ, जिसके चलते अज्ञात युवक की पहचान रामबाबू यादव के नाम से हुई, जो टीकमगढ़ के पास का बताया जा रहा है। रेलवे व टीकमगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से एक टीम का गठन कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी और सूचना मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मामले की जांच उपरांत आरोपी को रीवा के रेलवे न्यायालय में पेश किया गया। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।